हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू श्वेता पार्क नर्सिंग एकेडमी तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम ट्विंस प्रेगनेंसी पे क्लास लीजिए तो आज का जो टॉपिक है दैट इज ट्विन प्रेगनेंसी तो नाम से ही पता चलता है कि ट्विन मतलब कि दो जब यूट्रस पे टू बेबीज़ होते हैं तो उसे क्या कहते हैं ट्विन प्रेगनेंसी कहा जाता है तो देखते हैं किसे कहते हैं ट्विन प्रेगनेंसी टू इम्रियोज डेवलप साइमल्टेनियसली इन द सेम यूट्रस दस टू बेबीज डेली बर्ड साइमल्टियसली सच बेबीज नोन एज ट्विंस तो जब टू इम्रियो का फॉर्मेशन जब होता है यूट्रस्पी वन टाइम ठीक है और टू ऑफ स्प्रिंग या टू बेबीज डिलीवर्ड होती है वन डिलीवरी में तो उसे ट्विंस प्रेगनेंसी कहा जाता है और वह ऐसे दोनों बच्चे को ट्विंस कहते हैं तो जो ट्विंस प्रेगनेंसी होता है ये बहुत ही ज़्यादा तो प्रेग्नेंट मदर होती है उनके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट का पीरियड होता है क्योंकि इसमें जो है नॉर्मली जो नेचुरली यूट्रस जो होता है वन बेबी को कैरी करने के लिए सक्षम होता है लेकिन अगर वो दो बेबीज है यूट्रस में तो उसमें बेबीज और मदर दोनों को ज़्यादा केयर करने की जरूरत होती है क्योंकि दोनों जो है वो ज्यादा रिस्क पे होते हैं कॉम्प्लिकेशन होने का ज़्यादा चांसेस होता है इसका जो इंसिडेंट रेट है दैट इज़ इट अकर्स नेचुरली इन वन आउट ऑफ एवरी टू फिफ्टी प्रेगनेंसीज तो 250 फिफ्टी प्रेगनेंसी में वन जो प्रेगनेंसी है हो सकता है कि वे ट्विन प्रेगनेंसी का हो तो 14 ईयर्स पहले जब ट्विन्स प्रेगनेंसी हुआ करती थी तो उसमें बहुत ही रेयर हुआ करती थी लेकिन आजकल के डेट में क्या है कि ड्यू टू फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के कारण जिनको कि बेबी नहीं हो रही वो जाके ट्रीटमेंट करते हैं तो ड्रग्स एंड ऑल के कारण क्या होता है कि जो मदर होती है वो ओवर ओविलेटिंग हो जाती है जिसके कारण जो बेबी होती है वो ट्विन प्रेगनेंसी जो प्रेगनेंसी होती है वो ट्विन प्रेगनेंसी होती है और जो रिस्क है वो जो चांसेस है वो बढ़ गई है आज के डेट में अब अब इसका देखते हैं साइन साइन जो होगा नॉर्मल प्रेगनेंसी का आ, के ही साइंस हो गए लेकिन इसमें जो होगा वो ज़्यादा होगा कुछ भी चीज़ें जैसे मॉर्निंग सिकनेस होगा फैटिंग होगा नोजिया वॉमिटिंग होगी ये सब जो होगा वो ज़्यादा होगी क्योंकि एक नहीं बेबी है टू बेबी है ठीक है तो फर्स्ट साइन है मोर मॉर्निंग सिकनेस मॉर्निंग सिकनेस जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती है मदर को वो भी ज़्यादा होगी ठीक है मॉर्निंग सिकनेस को ही नौजिया बोमेटिंग जो फीलिंग होती है उसी को मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं सेकंड इंटेंस फैटिक इंक्रीज एपेटाइट ठीक है Second, fatigue, appetite, तो फैटिकनेस भी ज़्यादा होगी एपेटाइट भूख भी ज़्यादा लगेगी जिसके कारण वेट गेन भी ज़्यादा होगा अर्ली फिटर मोवमेंट फ्यूटर मूवमेंट मोर देन वन एरिया तो फिटर मूवमेंट भी इसमें वन एरिया से जा, जा, में ज़्यादा फील हो सकता है मदर को क्योंकि बेबी टू है तो फिटर मूवमेंट भी ज़्यादा होगी ठीक है फंडल हाइट ग्रेटर देन जस्टेशनल इज तो जो फंडल हाइट होती है हाइट होता है एबडोमिन का जो कि सिंफाइसिस प्यूबिस से हम लोग मेजर करते हैं वो जो होता है जस्टेशनल एज से ज़्यादा होता है मतलब कि अकॉर्डिंग टू वीक ये क्या होगा वो ज़्यादा होगा नेक्स्ट हियरिंग मोर देन वन हार्ट बीट ऑन अ फीटल डॉपलर तो जो हम लोग फीटल डॉपलर पर अगर आ, फीटल हार्ट साउंड सुनेंगे तो वो भी ज़्यादा सुनेंगे क्योंकि बेबी एक से ज़्यादा है तो so, अब हम लोग इसके देखते हैं और तो इस फैक्टर के अंडर आते हैं पर्सनल हिस्ट्री एंड फैमिली हिस्ट्री तो अगर पहले की प्रेगनेंसी में किसी वुमेन का जो हिस्ट्री है कि वो ट्विंस बी को डिलीवर करी है तो उनका चांसेस जो है वो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी ज़्यादा हो जाता है एंड फैमिली हिस्ट्री अगर फैमिली में भी ट्विन प्रेगनेंसी हुई है तो उसमें भी चांसेस होती है नेक्स्ट हैविंग ओबिसिटी एंड बी एम आर ग्रेटर दैन थर्टी तो जो वुमेन जो ओबेसिटी जिनको है जो ज़्यादा जिनका वेट है और बी एम आर फेशियल मेटाबोलिक रेट जिनका थर्टी से एव होता है वो भी ज्यादा रिस्क पे होती हैं। नेक्स्ट फर्टिलिटी ट्रीटमेंट तो ये मैंने पहले बताया था कि फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के कारण आजकल क्या हो रहा है कि ज्यादा ट्विंस प्रेगनेंसी हो रही है एग्जाम्पल है इनविट्रो फर्टिलाइजेशन तो इनविट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि मेनली लैब में स्पर्म और एक का फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है इम्ब्रियो को फिर से इम्प्लांट कर दिया जाता है मदर के यूट्रस में ठीक है तो ये सब के कारण जो ट्रीटमेंट हो रही है उसके कारण जो है रूडिज रिस्क बढ़ जाता है एंड वन मोर थिंग कि फुल टर्म प्रेग्नेंसी जैसे कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में थर्टी सेवन वीक्स को फुल टर्म प्रेग्नेंसी लिया जाता है माना जाता है तो ट्विंस प्रेगनेंसी में मेनली 35 से थर्टी सिक्स वीक्स तक नॉर्मली बेबी जो हो जाता है वो डिलीवर होने का ज़्यादा चांस होता है क्योंकि जो मैंने पहले बताया कि यूट्रस का जो कैपेसिटी है वो एक से ज़्यादा बेबी के लिए नेचुरली नहीं बनाया गया तो अगर ज़्यादा मल्टीपल प्रेगनेंसी या बोल सकते हैं ट्विंस प्रेगनेंसी अगर कैरी करती है मदर तो जो प्री डिलीवरी का जो प्री टर्म डिलीवरी का जो चांस होता है वो भी बढ़ जाता है तो ये थे इसके फैक्टर के बारे में नौ टाइप्स तो टाइप्स इसका टू टाइप्स होते हैं फ्रैटर्नल ट्विंस एंड आइडेंटिकल ट्विंस फ्रैटर्नल ट्विंस को ही डायजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं क्योंकि टू जायगोट का फॉर्मेशन होता है विद द हेल्प ऑफ टू स्पम एंड टू एग्स। तो टू एग मैंने पहले बताया था कि जो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के कारण मदर जो होती है ओवर ओबुलटिंग हो जाती है मींस कि वन मंथ में उनको बॉडी में उनके बॉडी में जब ओबुलेशन होता है तो टू एग रिलीज होता है तो वो जो दो एग होता है वो दो अलग स्पम्प से फर्टिलाइज़ करके टू जायगोट का फॉर्मेशन करता है वो दो जायगोट जो होता है फर्टिलाइज़ होता है उसका इम्प्लानटेशन होता है यूट्रस में एंड ट्विंस प्रेगनेंसी होता है तो दो अलग अलग जयगोट होने के कारण जो डीएनए होता है इसमें डिफर होगा और इसमें अलग डीएनए होगा ठीक है तो दोनों अलग डीएनए होने के कारण जो जेंडर होता है वो भी अलग हो सकता है इसमें एक बॉय हो सकता है एक गर्ल भी हो सकती है या दो गर्ल या दो बॉय भी हो सकता है ठीक है एंड सेकंड है आइडेंटिकल ट्विन्स मोनोजाइगोटिक ट्विन्स मोनोजाइगोटिक ट्विन्स मीन्स मींस वन जायगोट का फॉर्मेशन होता है विद द हेल्प ऑफ वन अस्पम एंड वन एग जब वन स्पम और वन एग का फॉर्मेशन और ये फर्टिलाइजेशन होता है तो वन जायगोट का फॉर्मेशन होता है और ये जायगोट में सेल डिविजन होने के कारण दो अलग अलग ये फ्रैगमेंट में ये टूट जाते हैं मल्टीप्लीकेशन के कारण तो जो फर्स्ट फ्रैगमेंट और सेकेंड फ्रैगमेंट में दोनों में जो डी होगा वो भी सेम होगा जो डी एन इसमें होगा वो डी एन इसमें होगा वो डी एन इसमें ही होगा तो डी एन ए सेम होने के कारण जेंडर भी सेम ही होगा हमेशा इसमें मोनोजैगेटिक ट्वेंस में, में जेंडर सेम होगा दो अगर ट्विंस गर्ल है तो दोनों गर्ल ही होगी या दो बॉय है तो दोनों बॉय होगा ठीक है एंड फैटर्नल ट्विंस में प्लासेंटा जो होगा वो सेपरेट प्लासेंटा होगा दोनों ट्विंस के लिए ठीक है तो इसमें टू प्लासेंटा हमेशा होता है टू प्लासेंटा और इसमें जो है ये मोनोजैगेटिक में वन प्लास भी हो सकता है और वो शेयर कर सकते हैं दोनों ट्विंस ठीक है एंड टू प्लास भी हो सकता है ठीक है और इसमें जो डीएनए है वो दोनों में सेम होगा और इसमें जो जो डीएनए है वो क्या होगा डिफर होगा ठीक है तो ये थे टाइप्स अब हम लोग देखेंगे मोनोजाइगेटिक ट्विंस का भी टाइप्स होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं कि सेल जो डिविजन हो रहा है वो किस स्टेज पर हो रहा है मोनोजाइगेटिक ट्विंस तो इसका फोर टाइप्स है फर्स्ट इज डाई एमनियोटिक ट्विन्स ट्विंस तो मैंने बताया कि जायगोट का जब फॉर्मेशन होता है उसके बाद सेल डिवीजन होता है तो अगर जायगोट है टू सेल का इसके बाद में इसका फॉर्मेशन इसका जब सॉरी डिवीजन जब होता है लास्ट स्टेज का फॉर्मेशन करता है जिसमें कि सिक्सटीन सेल होते हैं ठीक है ऐसे करके सिक्सटीन सेल होते हैं इसमें हैं मलवेरी टाइप का इसमें ये स्ट्रक्चर होता है ठीक है और बीच में 72 टू आवर्स में इसमें यहाँ पे 8 सेल का फॉर्मेशन होता है फिर 16 सेल का डिवीजन होता है क्योंकि डिवीजन होता है तो पहले 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से आपका 32 ठीक है ऐसे करके सेल डिवीजन होते जाता है तो ये 16 सेल का होता है मोरूला स्टेज इससे पहले क्या होगा 8 सेल का फॉर्मेशन होता है ठीक है एट सेल का जब फॉर्मेशन होता है तो उस समय क्या होगा कि ये 72 टू आवर्स में बनता है ये 96 सिक्स आवर्स में लेकिन जब 72 टू आवर्स के पहले ही मोरूला स्टेज का फॉर्मेशन हो जाता है सेल डिविजन स्टार्ट हो जाता है तो जो ट्विंस बनते हैं जो प्रेगनेंसी होती है कंसीव दैट इज डाई कोरियोनिक डाई एम्योटिक ट्विंस ठीक है इसमें जो कोरियोन का फॉर्मेशन होता है दैट इज़ टू कोरियोन ठीक है कॉरियोन जो होगा सॉरी सी से कोरियोन को डिनोट कर रही हूँ और ए से एमनियोन को ठीक है तो कोरियोन जो होगा वो टू होगा एमनियोन जो होगा हो वो टू होगा तो कोरियोन पे डिपेंड करता है कि जितना कोरियोन होगा उतना प्लासेंटा का फॉर्मेशन होगा तो कोरियोन अगर टू है तो प्लासेंटा का फॉर्मेशन भी टू हो सकता है एंड वन भी हो सकता है ठीक है दोनों इसमें चांसेस हो सकते हैं तो प्लासेंटा होगा वो टू और वन हो सकता है ठीक है लेकिन कोरियोन और एम्योन जो है वो टू टू है इसलिए इसका नाम रखा गया है डाइकोरियोनिक कोरियोनिक डाइ ट्विंस इसको याद रखना है कि तो आवर्स के पहले डिवीजन होता है इसलिए इसको डाइकोरियोनिक कॉरियोनिक डाइ ट्विंस कहा जाता है नेक्स्ट जो टाइप है मोनोकोरियोनिक मीन्स कि इसमें कोरियोन जो होगा वो वन होगा और डाई एमनियोटिक मीन्स टू एमनियन इसमें होगा तो जब मोरूला स्टेज ये क्या है मोरूला स्टेज है मुरुला स्टेज के बाद में क्या होता है इनर सेल मास का फॉर्मेशन होने लगता है जिसमें कि जर्म्स लेयर बनते हैं इंडोडम मेजोडम एक्टोडम जो जर्म लेयर्स बनते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो सारे सेल होते हैं वो वन पोल में आ जाते हैं ठीक है ठीके? और यहाँ पे जो होता है जर्म लेयर का फॉर्मेशन होने लगता है तो इसे इनर सेल मास कहते हैं फर्टिलाइजेशन के अगर फोर टू फाइव डेज के बाद में अगर सेल डिवीजन होता है एमनियोटिक टूंस कहते हैं ठीक है तो मतलब कि जब इनर सेल मास बनने के बाद में अगर डिवीजन हो रहा है तो क्या होगा कि कॉरियोन का फॉर्मेशन पहले से हो चुका है ठीक है ये कॉरियोन का तो कॉरियोन का जब फॉर्मेशन हो चुका है तो उसके बाद डिवीजन हो रही है तो दो कॉरियोन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा इसलिए जो कॉरियोन यहाँ पे होंगे वो वन होंगे और एमनियन जो होंगे वो टू होंगे इसलिए इसका नाम रखा गया है डो मोनो कॉरियोनिक ट्विंस और ये क्या है इनर सेल मास तो इनर सेल मास बनने के फोर टू फाइव डेज के बाद में अगर ये हो बनता है डिवीजन होता है तो क्या होता है वो मोनोकोरियोनिक डाईम्योटिक ट्विंस कहलाएगा थर्ड वन इज मोनोकोरियोनिक मोनो एम्योटिक ट्विंस नाम से ही पता चल रहा है मोनो मोनो है मतलब कि वन है ठीक है कोरियोन वन है और एमनियन भी वन होगा क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन के एट डे बाद आठ दिन बाद अगर एट डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन अगर डिवीजन होता है तो वो जो कहलाता है दैट इज मोनोकोरियोनिक और मोनो ट्विंस ठीक है इसमें भी ऑलरेडी क्या होता है कि एमियोन का भी फॉर्मेशन हुआ हो जाता है और और कोरियोन का भी इसलिए दोनों में डिवीजन नहीं हो पाता है ठीक है ये दोनों अलग से फॉर्म नहीं कर पाता है और कोरियोन एक होने की वजह से प्लासेंटा भी यहाँ वन होगा ठीक है और यहाँ पे प्लासेंटा क्या होगा वन होगा ठीक है प्लासेंटा वन होगा इसमें भी प्लासेंटा वन होगा ठीक है लास्ट डेट इज कॉन ज्वाइंट ट्विंस ट्विन्स जब इम्प्लांटेशन हो जाता है इनर सेल मास बन गया है ठीक है उसके बाद में इसका इम्प्लांटेशन जब, जब बन गया है, है? है उसके टू वीक्स बाद में अगर होता है बनता है जायगोट तो उसे हम लोग कहते हैं कॉन्जॉइन टूंस यह है कंजॉइंट ट्विंस जो कि बहुत रेयर होते हैं इसमें ऑर्गन्स कनेक्टेड होते हैं शेयरिंग करते हैं जिस कारण से बेबी का जो सर्वाइवल रेट होता है वो कम हो जाता है तो आज के क्लास के लिए इतना ही मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं कॉन्ज्वाइन ट्विंस और प्रिकॉशंस के बारे में बताऊँगी थैंक्स फॉर वॉचिंग